भाई 2 करोड़ का प्लाट है, 2 करोड़ रुपए तो ये जोड़ लो, 500 गज का होता है, 2 करोड़ का ये तो 560 गज है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई देखो दुनिया पीवे चाय सुट्टा, हम पी रहे हैं चाय और हुक्का। मेरे यहाँ पे कल वाली भिंडी और यो मेरे नॉर्मल परांठा, इसके कल के आयु अचार और यो भाई अनूप भाई आपके आलू परांठे, यो क्या सीन है, यो समझ ना रही। भाई मैं आलू के परांठे खा रहा हूँ, भाई भिंडी खा रहा हूँ और चाय दोनों। अच्छा भिंडी ना खाओगे क्या? भिंडी थोड़ी खाएंगे भाई हम, हम आलू के परांठे खाएंगे भाई। वैसे मैं तो पुरानी खाने की आदत पड़ी है, मम्मी खुआवे बासी मुझे घी की गैल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और भाई मैं हूं अनूप भाई के घर पे। हमने लिख लिया हॉटस्टार की स्क्रिप्ट, अब मम्मी जो मामा गए, मेरे मतलब मामा घर यहाँ, तो मेरे साथ 9 मिनट दूर है, ज्यादा दूर भी ना है, तो एक बार मम्मी के पास जाऊंगा, मम्मी मिलवाएगी मामा, क्योंकि मामा ना भी मेरी गाड़ी देखी ना, थोड़ी हवाबाजी कर दूंगा ना मामा के आगे कि देखो कौन सी गाड़ी ले लिया मैंने, और ना खाऊं दो ही बहुत है मेरे लिए, ठीक है जो यो था बस यो और ना ना अरे हाँ भाई मैं फिर वहां भी तो खानी, मैंने मामा मर गया। उसके बाद चलेंगे हम लोग अनूप भाई के जो नया घर बन रहा है। अनूप भाई कितने रुपए ठोक दिए उसमें? बहुत सारे रुपए ठोक दिए, बताएंगे थोड़ी, इनू कह देंगे भाई हमने तो इतना ठोका, मुझे पता नहीं कितने ठोका है। 500 गज की कोठी में तो भाई भाई की कोठी का टूर करवाएंगे, इनू बताऊंगा कितना रुपए कहाँ तक, उस दिन में आया था जब तो उतनी कंप्लीट नहीं हुई थी, अब बहुत ज्यादा कंप्लीट होगी, तो उसका टूर कराएंगे भाई की कोठी का, जो भाई ने यूट्यूब के पैसे तक कमा कमा कैसे ऐसी कर रखी है ना वहाँ घर पे यहाँ फरीदाबाद में सबकी, तो वो दिखाऊंगा। और जो मेरी पीछे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी देख लो हमारी, इसकी जगह अनूप भाई की आने वाली है, कौन सी गाड़ी वो भी ना बताएंगे, वो तो बता दें, वो तो बता दें, हवाबाजी कर दे थोड़ी सी है। अनूप भाई की आने वाली है भाई जैन स्टीलो। सो गाइस अनूप भाई के घर से निकल चुके हैं, ओ भाई ये देख लो कल इतनी बारिश आई है ना, रास्ते देख लो, यहाँ पे कौन मंत्री लग रहा, कुछ तो सीट मिल रही है ना मिल रही है तो हम भी वैसे कुछ, चलो मजाक कर रहा हूँ, ये देख लो भाई रोड थोड़े खराब से, मम्मी ने लेने के लिए निकल लिया, मामा जा रहा हूँ मैं यहाँ, तो मेरे साथ अभी मैं मैप लगाऊंगा, या मैप के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ मैं। अनूप भाई घर है मेरे मामा घर 9 मिनट दूर, एक बार मामा मारते मिलूंगा, मामा मारते मिले बहुत टाइम हो गया यार, गाड़ी दिखाई भी बहुत टाइम हो गया, तुम समझ रहे हो, तो मामा छुट्टी, वैसे मामा मिला ना संडे ना आज, इसलिए छुट्टी है मामा की, तो भाई मामा दिखाऊं गाड़ी, और उसके बाद फिर आके प्लाट पे चलेंगे, देख आएंगे भाई की कोठी, तो अभी चलो घर लगाते हैं, सॉरी मामा के घर पे लगाते हैं गाड़ी। गाइस हमारे साथ ही कौन आया है बिना नहाए, बिना नहाए डोल रही है, चलो हम मैं कौन सा ना रखा हूँ। तो भाई मेरा प्लान ये था कि अनूप भाई का मैंने भिंडी की सब्जी खा ली थी सुबह सुबह उठ के, वो कल रात की बची और जो मैं पैक करवा के लेकर आया था, मैं सोच रहा था यहाँ पे मामा आके खाऊंगा बथुए के परांठे जो इन्होंने बना रखे थे, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा पेट फुल हो रखा था, बिल्कुल जी ना करा, इसलिए मैंने मम्मी से कही मम्मी पैक करवा लो हमें, ऐसे ना हो रखे जहाँ भी जावे सामान सुबह पैक करवा ला हमें, कि भाई तुम्हारे पास कुछ खाने का है हम ना खा रहे, अभी काम करो हमारे लिए पैक कर दो भाई, बड़े गिरे उड़ो रहे हम तो भाई, सोची जाके बनानी पड़ेगी मैं पैक कर दूं, एक ही मम्मी का अपने रीजन से, नु कह रही मैं सोच रही थी जाके बनाने पड़ जाएंगे मेरे को, चल पैक ही करवा ले, तो नानी ने बनाया भाई, नानी मेरा बहुत टेस्टी खाना, नानी मेरी बहुत टेस्टी खाना बनावे, अच्छा मैं कुछ अलग कह रहा हूँ मैं कुछ अलग कह रहा था, चलो कोई बात नहीं। अब भाई जा रहे हैं अनूप भाई की कोठी पे, उनकी बहुत महंगी 5,000 करोड़ की कोठी देखने जा रहे हैं हम, एक्साइटेड, नक्शा देखोगे मम्मी तुम देख रही है कि नक्शा देखना चाह रही हूँ कि हमारे में उनमें क्या क्या फर्क है, तो अभी फर्क भी दिखाएंगे, कोठी भी दिखाएंगे, सारी चीज दिखाएंगे, तो चलो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अनूप भाई के पास, अनूप भाई की कोठी पे, ओ माय गॉड इतनी बड़ी ये तो बहुत बड़ा महल बना दिया अनूप भाई आपने, अनु बता दो सच्ची सच्ची, चलो साइड हटके कितना रुपया लग गया इसमें, ठोक बजा गया, यूट्यूब का है या नहीं है इसमें? नहीं यूट्यूब का तो है, पर भाई मैं बताऊंगा ना, मैम चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अपनी पब्लिक को, मैं नहीं, तो नहीं, भाई नहीं बतानी क्या, अच्छा चलो वो मैं बाद में बात करें, अलग से जानू भाई छूट जाएंगे ना यहाँ है, जब मैं बताऊँ कितने रुपए लग गए। और भाई ये रही मेरी गाड़ी, और गाड़ी की नंबर प्लेट स्टिल मिसिंग है, और एक और चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, अगर मेरी नंबर प्लेट आई तो भाई मैं खुले में डोलूंगा, नू ना छुपा के कि मेरी कोई प्राइवेसी ऐसा कुछ भी ना, मैं अपने भाई नंबर प्लेट देगा, क्योंकि गाड़ी हमारी है ना, है फर्स्ट ओनर है अपने नाम पर गाड़ी है, सिंगल ओनर अपने पहली लियो गाड़ी ले रखी, नहीं यार खुली दिखाऊं भाई हम पे है और ले ली और यो नंबर प्लेट लगेगी, अब आ जाते हैं घर पे, ये भी है और शोर मचा रहे हैं बालक, चलो शोर मचाने दो, हाँ जी भाई ये भी है, इसके कागज भी है, सब चीज अच्छा, है इसका भी सब चीज है भाई, हाँ, जमीन की रजिस्ट्री पजिस्ट्री सब है, तो भाई अब दिखाते हैं अनूप भाई का ये घर है 560 गज में स्क्वायर यार्ड्स, जिसको नहीं पता 560 एक कनाल के बहुत नियर 600 गज के बहुत नियर, तो भाई ये देख लो यहाँ से एंट्री होती है अनूप भाई घर के, अभी फ्रंट में दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, और भाई बहुत है उधर से दिखाऊं क्या, उधर से भी दिखाएंगे, उधर से भी दिखाएंगे, कैसे साइड टाइल लगवा रखी है, तो उस साइड से करवाओगे भाई, बाहर तो टाइल मंगवाई हमने, इम्पोर्टेड टाइल्स गाइस, और ये देख लो इम्पोर्टेड लोग भी ये देख लो भाई, अभी तो घर इतना मतलब कंस्ट्रक्शन चालू, जो पिछली बार आया था तो कम हो रखा था काम, इस टाइम तो बहुत बढ़ गया, और ऊपर तक चीजें गिर रही है, मैं बच बच के निकल रहा हूँ, ऑडियंस भी बच के आओ भाई, ये देख लो ये है भाई की पार्किंग, दिस इज स्टिल पार्किंग, क्योंकि जो आजकल रूल है सेक्टर में, अगर आपको रहना तो आपको पार्किंग भी जरूरी है, क्योंकि गाड़ी इतनी सारी अनु भाई पास क्यों, और भाई आदमी भी तो लंबे लंबे है ना, चार चार फुट के मेरे गैल के जितने भी हैं, ओ हमारे जैसे इंक्लूड यू, और ये हमारी मम्मी खड़ी है यहाँ पे, कैसा लग रहा भाई का मकान, अच्छा
अच्छा लग रहा ना भाई, मेहनत का पैसा है, अच्छा तो लगेगा ही। भाई का घर है टू साइड ओपन भाई, एक गेट ये रहा, एक गेट है वो पीछे, और ये पीछे बना रखी क्या, यहाँ पे हुक्का भरने का वो होगा, टीन टान है ना। हाँ, ये हुक्का भरने का सिस्टम। और अनु भाई भैंस का बंदे की भैंस कहाँ है, साइड वाले के प्लॉट में। अच्छा, कब्जा कर लेगी फिर भैंस उस पर धीरे धीरे। भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, अनूप भाई का घर हमारा 350 गज में, भाई का 560 गज में, बहुत बढ़िया बना रखा है। अभी नक्शा चेक करेंगे, मतलब पिछली बार मेरे को याद भी तो ना रहे कुछ चीज, कितने फ्लोर बना रखे अनूप भाई, फर्स्ट सेकंड हाँ, उसके ऊपर हाँ, और ढाई मंजिल बना रखी है अनूप भाई, और अनूप भाई के भैया, अनूप भाई के पिताजी, अनूप भाई की वाइफ, अनूप भाई की भाभी, अनूप भाई के बच्चे, अनूप भाई के भाई के बच्चे, सब यहीं पर रहेंगे। बहुत बड़ी फैमिली भाई हमारी, इतनी बड़ी फैमिली मैं तो मिस करता हूँ। मैं तो छोटी फैमिली, हम 3 जने, एक हमारी दादी, 4 जने। आपकी भी फैमिली, मेरा जब ब्याह हो जाएगा, बालक होंगे, तब हमारी फैमिली बढ़ जाएगी। पर मेरा कोई भाई ना है ना जो गैल रहे, तो हम है ना यार मुझे रख लो, एक मंजिल और बना देंगे, एक मंजिल और ऊपर रहेंगे फिर। अनूप भाई अब हम जा रहे हैं फर्स्ट मंजिल पे, जो कि भाई पहली मंजिल किसकी, तो बता दो आप रहोगे भाई, रहेगा भाई की है, भाई की पहली मंजिल। चलो भाई की, ये भाई की लगेगी लिफ्ट। अच्छा लिफ्ट भी थी इसमें, ओ माय गॉड ये तो बहुत गहरी है, इसमें मर्डर करके लाश भी गिर सके। नहीं भाई, अगर जब तक लिफ्ट ना लगे ना, रस्सा टांग देंगे, रस्सा चढ़ के ऊपर जा सकते हो। ओके, कोई पागल ही जाएगा उस पे तो फिर। ये भाई भाई की सीढ़ियां देख लो भाई, मेरे जो पत्थर डलवा दिए, क्या करो, काले रंग का पत्थर डलवा दिए, बदमाश है इनकी जिंदगी काली, करम काले अरे मतलब ऐसे ही यार। ये देख लो भाई सीढ़ी, देख लो भाई की काली, और मेरे सफेद जूते, और मेरी मम्मी, और फिर ऊपर, और कितने ऊपर है सीढ़ी, बहुत सारी सीढ़ी चढ़ कर आ गई। चलो जी, ये है पहली मंजिल, ये लिफ्ट यहाँ पे आके खुलेगी, दिस इज गेट। अनु भाई अब बताओ क्या क्या है इधर। अब किचन तो शुरू होते हैं भाई, अब किचन तो है, खाने से शुरू करोगे हर चीज़ें भाई, मैं तो यही है ना, किचन से शुरू करेंगे। यो भाई की फर्स्ट मंजिल की किचन, दिस इज गाइस किचन, और यो क्या फिर, स्टोर रूम। और स्टोर रूम किचन की गैल, इतना बड़ा स्टोर रूम है भाई, भाई बहुत बड़ा स्टोर रूम भाई, इसमें क्या रखे रहेंगे अनु भाई, ये तो बता दो, पैसा रखा रहेगा। हाँ स्टोर रूम में तो पैसा ही रहे ना। हाँ स्टोर रूम में पैसा, ओ ये रही ना अभी टाइल, चलो इन्हें बाहर तक भी दिखाएंगे, अंदर तक। यहाँ पे मेरे साथ फरीदाबाद में किसी ने ना लगवा रखी है वाली डिजाइन। हाँ फरीदाबाद में दोबारा यो देख लो हर जगह आ रहा है, 560 गज अपना 350 तुमने नू अलग बात है, जमीन कब जा रही है, इसका मतलब नू ना है कि तुम्हारा बड़ा होगा भाई यो क्या है, ये फट्टा धरे जा, गेस्ट रूम है, मतलब हमारे लिए, मेरा रूम है ये, ठीक है, दिस इज माई रूम गाइस, ये देख लो। और भाई बढ़िया रूम दे दिया मेरे तो यार, सामने बालकनी, ये भाई बालकनी खूब चौड़ी भाई की, शीशा लगेगा ना, पूरा एल टाइप में शीशा लगेगा, वेरी नाइस। ये अपनी भाई गाड़ी खड़ी नंबर प्लेट वाली मुझे माफ करना, पैसा भर दूं भाई इसके, गाड़ी बेच के ठीक है। यो भाई की बालकनी, एक हटना मम्मा, अट जाओ मेरे, ये देखो ये बालकनी, छोटी बालकनी, और खत्म भाई अभी तो शुरू ही ना हुआ। अब गाइस जा रहे हैं हम दूसरे रूम के अंदर, भाई भैया भैया मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो भैया, ये बताओ ये कौन सा रूम है, यो बेडरूम है, हैं बेडरूम है किसका, भाई का यो हाँ। वो है मेन है, जो मेन है ठीक है, यो भाई बेडरूम हो गया मेन, अभी थोड़ा गंदा हो रखा है, बना नहीं ना क्योंकि ये सामने बालकनी भाई की, और ये लैट्रिन बाथरूम, और ये भाई वॉशरूम देख लो, मतलब मैं अंदर ही जा रहा क्योंकि ये बढ़ रहा है मेरे आगे, और ये यहाँ पे वो जहाँ पे कपड़ा धरे रहेंगे, दिस इज अलमारी, वेरी नाइस, मौज मान रखे अनु भाई, मोटा पैसा फूक दिए यार, इतना हाँ। पैसा हम पे फूक दो ना, मैं नाच लूंगा आपका आगे। ये अपने जय श्री राम का, ओ इधर जय श्री राम की वाला मंदिर है बेसिकली, मंदिर एंट्री होते ही सामने, एंट्री होते ही सामने होएगा मंदिर, जय श्री राम लिखवा लेना, बहुत बड़ा मजा आ जाएगा। और दिखाओ कितने बी एच के, एक वे 4-4 यो होना चाहिए बड़ा बेडरूम, तो भाई यो है वो, हाँ ये बेडरूम है भाई, और अलमारी ये रही, और वॉशरूम ये रहा भाई, दिस इज बालकनी गाइस, दिस इज वॉशरूम, ये देख लो ठीक है, और ये अरे पैसा ठाले अलमारी में धरे होंगे, पैसा ठाले, पैसा पैसा ठाले अलमारी में होंगे, ऐसे खोल खोल के देख रही है ये, देखने को तो भाई ये लकड़ी की लग रही है पूरी, लेकिन लकड़ी की नहीं है ये, अंदर प्लास्टिक की भी नहीं है भाई, ये लोहे की होगी, अंदर से सीमेंट रोड ग्रेसर की, मतलब फिक्स है, मजबूत है, अच्छा मजबूत काम कर रखा है, जस्ट लाइक मी,
गर्ल्स को हमेशा सॉरी औरतों को हमेशा रसोई पसंद आती है और मैं पॉइंट मार दूंगा मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हो भाई अच्छा सॉरी गाइस इधर मम्मी को हमेशा रसोई पसंद आती है भाई बहुत अच्छी हलवाई लगी ये वाला बेडरूम सबसे बड़ा ना मेरे हिसाब से दोनों दो बड़े बराबर है वो छोटा वो क्यों दिखा दिया फिर मेन में मुझे यो गाइस दूसरा बेडरूम यो और बड़ा है बराबर है यो बड़ा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे शायद दो साइड तक खुला है ना इधर भी बालकनी उधर भी बालकनी यो फिर वही फट्टा लकड़ी हाँ। अरे यो अनूप भाई और भाई यहाँ ना ये इतना खुला बनाया अगर बिजली बिजली ना आवे ना तो खिड़की दरवाजे खोल के हवा आएगी बस हवा के लिए खुला रख रहे हैं और क्या लाइट के लिए भी भैया लाइट के लिए और सामने कोई गर्ल्स नहीं रहती क्या जो यहाँ से खड़े होकर गर्ल्स देख लें देखो ना भाई ये भी तो ना भाई इतनी सारी गर्ल्स घूम रही है गाइस देख लो भाई वहाँ पे वो झाड़ी में रसियन होती होगी इधर नाइजीरियन इधर ब्राजीलियन इधर अनूप भाई अफ्रीकन ठीक है यो भाई वॉशरूम वॉशरूम दिखा दिखा पागल यो कैसा वॉशरूम भाई भाई तो बंद है अच्छा योरा वेंटिलेशन ओके पहली मंजिल का टूर खत्म अब जा रहे अनूप भाई के फ्लोर पे अनूप भाई नक्शा सेम है अलग है सेम है भाई ओ माय गॉड ये तो सेम हो गया हाँ मतलब मैं बताऊंगा अलग है चलो दिखाते हैं तुम लोगों को सो गाइस हैं ओ मेरे पे इल्जाम लग गया क्या जो कह रहे ये वाली दीवार इसलिए रखी है ताकि एल्विस जैसा कोई रसोई में झांक ना ले औरतों पे काम करते हुए भाई वाह अनु भाई बढ़िया इल्जाम लगाया भाई वाह जा रहे हैं काली सीढ़ियों पे फिर से सेकंड फ्लोर पे अनु भाई अरे यार ये तो गज में ना पता चल रही अनु भाई को बड़ा घर तो भाई चलो ये अनु भाई का सेकंड फ्लोर आ गया कहां है सेकंड फ्लोर यहां क्या लगेगा अनु भाई त्रिशूल विरसूल लगाओगे तलवार मतलब भाई ये ना ये तलवार लगेंगे तीन लटकी रहेंगे वे लगा दो हेरा फेरी वाली गन्स तीन गन्स इधर ठीक है तो भाई सेम डिजाइन है ओए तो सेम डिजाइन है अनु भाई बिल्कुल एग्जैक्ट भाई वही वो और होल और यो वो रसोई और वे टाइल परली साइड ये रही ना टाइल ये स्टोर रूम यहाँ भी पैसा भरोगे इसके बारे में देखना चाहते हो ना तीन मिनट पीछे रिपीट कर लो वीडियो फिर देखो ओह माय गॉड ये तो सेम हो गया चलो ये भाई हॉल और ये यहाँ पे सेम वही दो एक बेडरूम है एक बेडरूम यहाँ छोटे वाला ये वाला बालकनी वाला सेम है अनूप भाई ने बोलो भाई आप बोलो पहले हाँ अनूप भाई ने भाई क्या सीन रख रखा है नीचे का फ्लोर भी सेम ऊपर वाला फ्लोर भी सेम और अब ढाई आधी मंजिल है ना वो और दिखा के लाता हूँ तो भाई मेरे सामने है लिफ्ट जिसको नहीं पता ये दूसरी मंजिल की लिफ्ट अब जा रहे हैं ऊपर क्या बना रखा अनूप भाई यही सेम डिजाइन मत बोल देना मुझे नहीं भाई अब तो बहुत एंड आ लिया अच्छा एंड आ गया क्या दुनिया का हाइट कम हो जाएगी आ जाओ गाइस आ जाओ अनूप भाई भक्का हो यार अरे तो टेरेस आ गया ढाई मंजिल का इसमें टेरेस है तो दिखाता हूँ टेरेस वो टेरेस आ गया छत आ गई छत अभी दिखाता हूँ रूम से स्पेशल जहाँ मैं हुक्का वुक्का रख कर आया वो अंकल जी का वो है नहीं मतलब हमारा अंकल जी का नीचे है अच्छा अलग है उनका ठीक है ठीक अच्छा समझ गया पार्टी होती रसिन के साथ नाइस तो ये है भाई रसिन वाला रूम ये देख लो और ये तो बहुत बड़ा बना दिया रसिन तो छोटे में मतलब ठीक है क्या ही करना है क्या ही करना है रसिन का रसिन बैठ के हुक्का पिएगी यहाँ पे तो रसिनों का कमरा मम्मा आए रसिन रहती है इसमें इसमें हुक्का पीती है रसिन अंदर मत जाओ घेर लेंगी मम्मा अरे अफ्रीकन अफ्रीकन आंटियां यहाँ पे जाओ उधर चले जाओ बाहर जाओ अरे कुछ ना दिखे चल रसिन के साथ जा रही है अंदर चल भगे आते तो एक भी ना दिख रही हूं तो एक अरे यार मम्मा हम ना दिख रहे हम रसियन ही तो हैं अरे अनूप भाई रहे रसियन भाई ये है रसियन का रूम और यहाँ पे अरे रुक जाना मम्मा अंदर पहले मुझे चेक कर कांड दे भाई जो है वॉशरूम और रसियन बैठी कोई नो और ये है भाई वो जो भी है और ये बालकनी भाई की पीछे वाली इस पे खड़ा होकर भाई सिगरेट पी रहे हैं अनूप भाई यहाँ पे खड़े सिगरेट पीते हो ना हाँ बीड़ी 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 का बंडल 502 लिम बीड़ी सी बीड़ी सारी 502 बोलोगे भाई 502 सो गाइस अनूप भाई का हाउस टूर खत्म हो चुका है और हाउस टूर में कितना पैसा लग रहा है अनूप भाई तो बताएगा ना अपने मुंह पर हम बताएंगे अनूप भाई की कोठी जो 560 गज में अगर ये फरीदाबाद में है और यहाँ पे रेट क्या चल रहा है अनूप भाई दो चल रहा है यहाँ का दो मतलब 2 करोड़ रुपए का हाँ भाई दो एक मिनट रुकना भाई 2 करोड़ का जो प्लाट है 2 करोड़ रुपए तो ये जोड़ लो 500 गज का होता है 2 करोड़ का ये तो 560 गज है 2.5 करोड़ रुपए जोड़ लो चलो आज की कीमत उस टाइम पे लिया होगा 2.5 करोड़ का ये प्लाट हो गया ऊपर से 2.5 मंजिल बना दिया तो इसमें कितनी कीमत लगी होगी स्ट्रक्चर में ये अभी तक कितना लग गया पैसा मत बोलो मेरे हाँ बोला नहीं जा रहा अनूप भाई से अनूप भाई कह रहे इतनी मोटी रकम मेरे मुंह में 0 फंस जाएंगे इतने भाई मैं बताता हूँ चल अलग अलग जाता हूँ अनूप भाई पेनुका को बता दी भाई ये देखो ऑनेस्ट होके मैं अपनी तुम्हें पता है मैं अपनी पब्लिक से रहता हूँ ऑनेस्ट कोई झूठ नहीं कुछ नहीं सीधी बकवास कर सीधी बात नो बकवास तो सुनो 2.5 करोड़ का प्लाट है 2.5 मंजिल बना दी इसके हिसाब से भाई का लग गया इसमें अभी तक स्ट्रक्चर और जितना भी अभी तक कंप्लीट हुआ इसमें लग चुका 1 करोड़ रुपया और 1.5 करोड़ रुपया लग चुका और 1 करोड़ रुपया ये बैठेगा 2.5 करोड़ के आसपास बैठेगा पूरा रेडी होने के बाद 2.5 करोड़ जुड़ गए 2.5 करोड़ वे जुड़ के 5 करोड़ का मकान रेडी हो चुका है यो तो भाई देख लो 5 करोड़ का मकान अगर यो ही सेम प्रॉपर्टी गुड़गांव में होती है समझ ले 10 करोड़ की 12 10 भी करोड़ कम बता रहा हूँ ज़्यादा की होती
फरीदाबाद भी अच्छी जगह धीरे धीरे डेवलप हो रहा, तो भाई जिसने प्लाट लेने मेरे को कॉन्टैक्ट मत करना, हम ना कर रहे प्रॉपर्टी लिया, खत्म बंद कर दी। भाई अनु भाई के घर के साइड में आ चुके और साइड में से जो व्यू है ना, साइड में से जो व्यू है वो दिखा। ये कैसा व्यू दिख लिया मैंने? ये तो पानी का व्यू आ गया भाई, ये ना यहाँ तक पैंट चढ़ा के निकलना पड़ता है। ओहो यहाँ पे भाई अगर किसी ने पेटीकोट पहन लिया तो ऊपर करके निकलना पड़ेगा। चलो ये तो पेटीकोट की बात नहीं करते, अब साइड में से व्यू दिखाता हूँ। 1, 2, 3 यू कैसा व्यू भाई? भाई मजेदार व्यू, वहां भी टाइल लग रखी है, यहाँ भी टाइल लग रखी है, ये मम्मी देख लो हर जगह फ्रेम में, तो आई जाओ कहीं ना कहीं तो साइड व्यू। ये 2 साइड ओपन प्लाट है, ये रहा गेट जो अंदर से दिखा रहा था, ये फ्रंट गेट है, ये अपनी गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट, हाँ ठीक है ये हमारा जो अपने नाम थे भाई। ये टाइल बढ़िया लग रही, जेन्युइनली बहुत अच्छी लग रही, देख लो ये टाइल देख लो भाई, पास से खम्बा, ये खम्बा इसको हटवाओ भाई, ये तो रेडिएशन फैलाएगा। अच्छा हाँ। ये तो बिजली का ना, ये क्यों फैलाएगा? अरे बिजली तो रेडिएशन फैलाएगा भाई, इसको हटवा के ना इसको करवा देना इस साइड वाले प्लाट के बीच तो में। घर में तो बिजली हटा दे क्या? हाँ घर में तो बिजली हटा, बिजली क्या जरूरत है, नेचुरल रहो ना जंगल में, यहाँ पेड़ लगाओ, बरगद वरगद के पेड़ लगाओ और जंगल बना दो इसको पूरा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। भाई अनु भाई को अलविदा कहने का टाइम आ गया। ओके अनु भाई अलविदा मत कहो, अच्छा फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे मैन, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, अभी 1 घंटे बाद है, दोबारा मिलते हैं फरीदाबाद आके। चलो मम्मा आ जाओ। यो खड़ी भाई अपनी वही सेम बोलूंगा, नंबर प्लेट मेरे नाम पे ही है, मेरे नाम पे ही है, नंबर प्लेट दिखा के चलते हैं। ये बैठो जी मम्मा जी, कहाँ? अरे बैठो ना पल्ली साइड, कहाँ जा रहे हो? अच्छा मोड़ के उस साइड से बैठ जाओ। अच्छा उस साइड से बैठ जाओ। चलो भाई ओके अनु भाई, मिलते हैं जल्दी। और मम्मी निकल चुके हैं और मम्मी ने बैठती कंप्लेंट कर दी, तेरी गाड़ी छोटी है। यो का बात है, छोटी लग रही है, भाई यहाँ से निकल चुके हैं फरीदाबाद से, देखते हैं अब कहाँ का प्लान बनता है। एक बार घर मम्मी को छोड़ दूँ, फिर मेरे को 2-4 काम निपटाने हैं, तो ये व्लॉग आज को यहीं पे खत्म करते हैं। और व्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट और मम्मा सब्सक्राइब। हाँ सर भाई मम्मी ने कह दिया तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब बटन ठोक दो, मम्मी ने कही है। चलो ओके जी।